है। भोपाल से खबर आ रही है जहां भाजपा विधायक दल की बैठक स्थगित हो गई है। 26 अप्रैल को सीएम हाउस में भाजपा विधायक दल की बैठक होनी थी। बैठक में सभी विधायकों और मंत्रियों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश थे। अब 30 अप्रैल को ये भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। सीएम की व्यस्तताओं के चलते ये फैसला लिया गया है। तो 26 अप्रैल को सीएम हाउस में भाजपा विधायक दल की बैठक होनी थी, जो अब स्थगित हो गई है। वो बैठक 30 अप्रैल को होगी। जानकारी देंगे आशीष मंगल सोनी, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशीष, बीजेपी विधायक दल की बैठक स्थगित हुई, अब 30 अप्रैल को होगी, क्या वजह मानी जा सकती है? 26 अप्रैल को सीएम हाउस में शाम को विधायक दल की बैठक होना सुनिश्चित थी और इसके लिए बाकायदा सभी विधायकों और मंत्रियों को निर्देशित कर दिया गया था कि बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें, लेकिन सीएम की व्यस्तताओं के चलते अब इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल सभी विधायकों के पास फोन पहुंच चुके हैं और विधायकों को ये कहा जा रहा है कि अब जो अगली बैठक है वो सोमवार 30 अप्रैल को होनी है। परुण, मैं आपको बता दूं कि जो ये बैठक थी, ये बैठक चुनावी साल में काफी अहम मानी जा रही थी और इस बैठक में सीएम तमाम विधायकों को अब तक किए गए कामों को लेकर निर्देश देने वाले थे और इस निर्देश के तहत अब तक के जो काम किए हैं, जो शिलान्यास, भूमि पूजन समेत जो दूसरे काम बाकी है उनको जल्द से निपटाने के बाद क्षेत्र में जनता के बीच में पहुंचे और सरकार की योजनाओं को अभी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, निचले स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो बीजेपी का आंतरिक सर्वे है और संघ की सर्वे रिपोर्ट थी उसके मुताबिक कई विधायकों की स्थिति खराब है। परफॉर्मेंस सुधारने को लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान कई विधायकों को कई बार नसीहत दे चुके हैं। अब ये जो बैठक कल होनी थी अब ये स्थगित हो गई है। इस बैठक में फिर विधायकों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे और इस बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश सिंह, संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहेंगे और उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि विधायकों को किस तरह से जनता के बीच में जाकर बचे हुए 3 महीने में सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताना है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, हालांकि बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्री एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसी कोई बात नहीं करते, लेकिन संगठन के जो नुमाइंदे वो ये साफ तौर पर स्वीकार करते हैं। हालांकि कैमरा के सामने इसे बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर ये स्वीकार करते हैं कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। इसी की वजह से सरकार पिछले दिनों से जो सरकार के सामने दिक्कतें खड़ी हुई है, कहीं उसका असर चुनाव में ना हो, इसी को लेकर विधायकों को ताकीद की जा रही है। परुल,